हमेशा वो उसको रुलाता रहता है। तू हाँ तू क्यों रो रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट इज द क्रेजी। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমি ভালোই আছি। তো চলুন আজকের ভিডিওতে সোজা চলে যাওয়া যাক। अगेन अपना इंट्रो भेजते रहो अपने नेटिव लैंग्वेज में। यहाँ पर ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, किसी पे भी कर सकते हो। बट हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैंने एक स्टेट का ऑलरेडी एक लैंग्वेज कर दिया देन आई वोंट रिपीट इट अगेन बिकॉज कंटिन्यूस हो जाएगा। सबको मौका मिलना चाहिए, राइट? तो मेरे को उठा नहीं सकते थे क्यों? हद है यार बाबू, तुम्हें इतना उजाला हुआ दिखा नहीं रहा। दिखा नहीं रहा मतलब क्या होता है? दिख नहीं रहा। गवार, तुम गवार, गवार तुम गवार, तुम गवार, तुम गवार, तुम गवार, तुम गवार, गोबर खा लो, तुम 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 खा लो। ये बारी बीसी चलती रहेगी। मेरे बाल, रात में सोया हूँ, मेरे बाल ऐसे खड़े खड़े से हो गए हैं। नहा के आता हूँ, फ्रेश फ्रेश होता हूँ। एंड आप वो देखो, व्हेन वी वर कमिंग फ्रॉम हर हाउस, कल रोड पे हमारे साथ क्या घटना घटित हुई। नॉट एग्जैक्टली हमारे साथ, बट हाँ आप देखो, सामने एक लड़की जा रही है धूम मचाले करते हुए। अभी हुआ ये, पुलिस वाले पीछे खड़े हुए थे, दो दो तीन तीन, मतलब चलो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसने हेलमेट पहना हुआ था उसको भी रोक लिया। लेकिन ये बंदी पहले पुलिस वाले ने रोका इसको, शक्ल देखी और जान दिया। चीटिंग करता है तू भाई, नेक्स्ट लेवल। इसे कहते हैं पार्शियलिटी। फिर लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, फिर मेरा इस टाइम में मेरे अंदर कंट्रोल कंट्रोल, दिस इज डेफिनेटली सो मच रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। उनकी भी तो लाइफ है, वो मरेंगी गिरेंगी तो उनका भी तो सर फूटेगा। ऐसी तैसी कराई ये सब चीजें, लेकिन वो लड़को जो वहाँ पर बंदे रुके हुए थे उनको क्यों रोका फिर? जो हेलमेट पहना हुआ है तो भी रोका हुआ है। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, ये गलत है, हद है यार। L9CAA5248, इतना पॉल्यूशन कैसे कर लेते हैं? गाड़ी वाड़ी सर्विस वगैरह नहीं करवाते क्या? मिट्टू रुक जा बेटा, रुक जा मिट्टू बेचारी। आज हमने मिट्टू की नहलाई नहलाई कर दी है, अच्छी वाली वो भी, एंड शी इज हैप्पी, है ना? और उसको पता चल चुका है उसमें चिकन है। कर देना चाहिए ऐसे कभी ना कभी, ओके? आप भी स्ट्रीट डॉग्स का ऐसे ख्याल रखो और स्ट्रीट एनिमल्स का। ऑल राइट, नहा धो के मस्त एकदम मैं रेडी। और ये निधि जल्दी से बाल सेट करते हुए, क्योंकि मैंने कैमरा उठा लिया और मेरे बिना खाना चलते हुए। एक काम कर दो, इसको गरम कर दो। मैं नहीं कर रहा, कर दो। मैं नहीं कर रहा, कर दो। फैन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी झेल लो बिकॉज ब्लॉगिंग चल रही है। इसको ओवन में रख दो। गरम क्यों नहीं करके लाती हो? गरम करा था पर हुआ नहीं। है तो गरम नहीं है, है नहीं है, है। दाल रोटी, तो मम्मी उस धूम मचाले वाली लड़की पे क्या प्रतिक्रिया अपनी देना चाहोगी? प्रतिक्रिया देना चाहोगी? ओके, लड़की है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है वाली लाइन बोलती है मम्मी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट बी लॉज इक्वल फॉर एवरीवन। जब हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही ऐसे करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या ही करेगी? जनता नहीं करती, बहुत लोग सब कुछ पेपर लेके घूमते हैं, उसके बाद भी रोक लिया जाता है जस्ट टू चेक एंड वेस्ट देयर टाइम। क्या मालूम गलती से निकल जाए। लेडी जो डर नहीं है, अभी बोलना शुरू हुई तो वो चुप हो सकती है, वो बोलना शुरू हो जाएगी, जो डर से उसे रोकते नहीं है। देखो ये तो फिर गलत बात है ना, ऐसे तो बंदे भी बोलते हैं पर उनको चपेट मार कर चुप करा देते हैं। क्या है, बीवी और माँ के हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है। मम्मी खाना खिला दो। आए हाय, चैन से खाने भी नहीं देता है। क्या बनाया तुमने? ये दाल बनाई, रोटी बनाई है, जो भी बनाया अच्छा बनाया। मारो इसे। मारने का नहीं है, मारने का नहीं है। कुत्ता। तुम कुत्ते। तुम कुत्ते। तुम कुत्ते। तुम कुत्ते। इतना सारा बटर तुम मेरे ऐप्स नहीं आने दोगे। खाना हैज बीन फिनिश्ड और ये देखिए कौन पधारे हैं। हे हे। दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल। तलवारबाजी चल रही है। अच्छा रोहन एक सवाल का जवाब देगा। हाथी के कितने दांत होते हैं? दो। दो? तो एक दांत ना ले ले। बुरा लगा? नहीं तो दूसरा भी ले ले। और दूसरा भी ले ले रहा है। तुम अपना गरबा करो ना बे, नवरात्र की तैयारी करो। देखो कुछ आया तो वहीं पे उठा तो लो जाके, कोई पार्सल हमारा उठा के ले जाएगा। तुझे बुरा तो नहीं लगा रोहन? नहीं लगा? इट्स ओके, लगना भी नहीं चाहिए, बड़ा भाई हूँ मैं, मेरा बनता है तेरी ऐसी तैसी करना और तेरी लेना। क्या है? केक। केक किसका बर्थडे? केक बर्थडे
पेपर दिया है बड़ा मशरूम। ओह ये तो कुछ भूखे जैसा लग रहा है बे। बहुत बड़ा मशरूम है। कौन है? ओह ओहो ये किसके लिए है और किस खुशी में है? वो भी रेड रेड रोजेस। मुझे क्या देख रहे हो? प्यार की निशानी। रोहन के लिए आए हैं। रोहन के लिए आए हैं। मम्मी देख लो, देख लो मम्मी, रोहन के लिए चीजें आ रही है। रोहन की फैन फॉलोइंग देख लो मम्मी, अब तो रोहन के लिए बुके भी आ रहे हैं। बुके सच्चे के गुलाब है क्या? नकली? वो सच्ची है यार। इसमें कुछ नोट वोट नहीं डाला हुआ ऐसे कैसे? रोहन सच सच बता दे किसने भेजा है? मुझे क्या मालूम। रोहन बड़ा हो गया। और ये केक है From your क्या लिखा है? Beloved मलिका। मलिका मलिका कौन है? मैं जानता भी नहीं। गाइस रोहन की गर्लफ्रेंड रिवील्ड। मलिका रोहन बताएगा मलिका कौन है? जानता भी नहीं। मलिका एक सेकेंड, किसने भेजा है ये? मुझे नहीं। किसने भेजा है? पक्का तुम किसी मलिका को नहीं? तो कहाँ से आए ये? तुम बताओगे कौन है मलिका? मैं किसी मलिका को नहीं जानता। तो तुमने भैया की तो अंकिता है। हाँ मेरी तो अंकिता है। मतलब ऐसा उसने बोला मेरी नहीं है अंकिता। सही बताओगे किसके लिए? मुझे इसके लिए आया है। मैंने किसी मलिका का नाम लिया कभी? I have Malika with me and she Mehbooba Malika. नहीं मैंने, मेरे को नहीं पता सच्ची में किसके लिए। तुमने लिया है नाम? वो मेरे को नहीं पता किसका लिया है ये। मतलब मलिका नहीं है कोई मेरी लाइफ में यार। मम्मी तो कौन है? इससे पूछो जरा। मम्मी आपको याद है जब एक बार वो वाला प्रैंक कर रहे थे तब ये नाम सुना मैंने? मेरे को नहीं पता यार वो सच। वो मेरे को नहीं पता मलिका इसके लिए। नाम सुना है? मैं जानता भी नहीं हूँ। ठीक है ना, मैंने ये नाम सुना है। हाँ मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। तुम ही प्रैंक करते हो ना? लेता हूँ ना हिट विद डांडिया। दो मिनट रोन बैठ जाओ, उसको पहले कैमरा बंद करवाओ। क्यों? मुझे बस ये बताओ कौन है। बेबी मेरे को नहीं पता मलिका, मैं अंकिता का नाम लेता हूँ तुम्हें भी पता है। बेबी कहने लगा बुबू से। मैं तुम्हें बेबी बोल रहा हूँ, देखो तुम्हें बेबी बोल रहा हूँ मैं। देखो मलिका बेबी। इसमें देखो नोट वोट डाला होगा डेफिनेटली किसी के लिए। सच्ची में यार वो मेरे को नहीं पता यार, इसके लिए आया है क्योंकि मलिका इसकी कोई जानता भी नहीं। ये देखो भाभी गाना भी गाने लगा। ये देखो भाभी मुझे किसने भेजा? अरे मैंने खुद को भेजा। मुझे पता होता तो मैं तुमसे कितना। ये तुम्हारी हरकत होती है किसी का नाम कभी किसी का नाम। मैं तो इसी शादी किस लिए करी है? क्या कर रखा है? लाइन लगा रखा है कभी कोई कभी कोई कभी कभी अंकिता कभी मलिका कभी आरती पीसीआर आरती पीसी और कभी बेबी। बेबी तो ये है उसको नहीं बोलता है। देखो ये देख रहे हैं केक भी खा रहे हैं, केक भी खा रहे हैं, केक भी खाए जा रहा है। मलिका उसकी गर्लफ्रेंड आई वो देखो शूट कर रहा है कुछ भी। रियल फूड है कितना सुंदर है। हाँ ये कर लो पहले। मैं अंकिता का नाम लेता हूँ ना पिटेगा। ये रोहन की गर्लफ्रेंड है। बेबी कौन? मैं जानता हूँ।
क्या मैं लड़ रही हूँ, तुम खाई रहो खाई रहो। हाय मेरा देख रहे, इस तो सारा फूल तोड़ के मम्मी को फूल की पड़ी है यहाँ पे। हाँ भाई तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में सारा फूल कैमरा कैमरा पागल है क्या, क्यों करता है ऐसे? बोल दे प्रैंक था कोई। अरे हमेशा परेशान करता रहता है उसको, हमेशा वो उसको रुलाता रहता है तू। अरे मैंने नहीं किया। हाँ तू क्यों रो रही है? क्योंकि मैं रुला दिया। इसके लिए आया उस, वो देखो शूट कर रहा है। शूट कर रहा है, मुझे नहीं पता तेरे शूट। अब चुप करा उसे, जब देखो तुम बिना बात के फालतू के कोई भी चीज से उसे। मैंने प्रैंक करा होता तो मैं एडमिट करता, मैंने नहीं किया है। तो फिर क्या है ये? रोने की नौबत भी नहीं आती उसकी। नहीं वो कौन है? किसी इसके लिए आया है। उसके मुँह से किसी सत्ता मैंने भेजा होगा। नहीं सुनी हूँ उसके मुँह से। चूना लगा दिया। हम मेरे को डांट रहे थे तब से हैं। बत्तीसता बम बत्तीसता बम। और ये बूम। मेरे को केक खाने। यार तुम बड़ी कमीनी हो यार, ये क्या करा तुमने? सुनो सुनो, आज मेरा केक खाने का मन था। हाँ तो ये मलिका तुमने ही नाम लिया था। अरे मम्मी मैंने भी केक और भूखे मंगाया। क्यों? किसने? मजे लेने के लिए। क्या बोले? पार्टी हो रही है किसी बर्थडे? तुम्हारी शादी हो रही है। रोहन का ब्याह हो रहा है। मैंने केक मंगवाया है, वो जो एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाया था ना, उसका बदला लेने। नाम लिखवाया है मलिका। ओ वाह। और उससे पूछना है कौन है मलिका? शेरावत। तुम दो मिनट चुप रहोगे? ओके। देख रहे हो मम्मी कहाँ जा रही है? केक कहाँ से आया उसका रिएक्शन लेंगे, मजे लेंगे। संगत का सर को होता ही है ना, जो तुमने वो एक्स गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाया था ना, दूल्हे राजा सारे मिले हुए थे ना इसमें? नहीं तो यस। मम्मी को बता दो, खा के जाऊंगा थोड़ा सा। हो तो बताओ आपको कैसा लगा मेरा ये मजाक? मजा आया। मजा है, हम सबको तो बड़ा मजा आया। विद दैट इट, हंसते रहो हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। और आप लोग कहते हो मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक नहीं होता, आज देखो मैं फाइनली रोमांटिक हो गया। तो अब एक्सेप्ट करते हो बैचलर्स वालों को मास्टर्स से पंगा नहीं लेना चाहिए? ओह।